First we have to if legal service penalty ke hai uthaye dekhe hum kaise log to higher chairman मिस्टर मीर वजाहत साहब दे सकते हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी। आगे आइए और आज के दिन के स्पेसिफिकेशन के बारे में हमें बताइए। आज लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ और लीगल सर्विस मूवमेंट है, और बिलखसूस अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, एक अजीम दिन है। 9 नवंबर हम हर साल बतौर नेशनल लीगल सर्विस डे सेलिब्रेट करते हैं, और सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि इस दिन लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 को रोब अमल लाया गया था। और ये हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। ये बहुत मुबारक दिन है जिस दिन हम ये कहते हैं कि हमने लोगों को इंसाफ तक रसाई, कानून तक रसाई दी है, जो ही इसका मकसद है। मैं पूरे इस हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों को इस दिन की मुबारकबाद देता हूं, और साथ साथ ये कहता हूं कि ये जो दिन है इसको हमें मनाने, जोश खरोश से मनाने की ज़रूरत है, ताकि हम पसमानदा तबका जात जो भी है, जो किसी भी तर्ज से माजूर है या बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं, औरतें हैं, जिनको कानूनी इमदाद की ज़रूरत है, मुफ्त वकील, और न सिर्फ मुफ्त बल्कि एक मौसर वकील और मौसर कानूनी खदमात के लिए हम इस दिन मना रहे हैं। मैं आपकी वसादत से तमाम आपके नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी हो, कोई भी फ़र्द हो, जो किसी चीज़ से दो चार हो, उसको हम कानूनी इमदाद दे सकते हैं, मुफ्त वकील दे सकते हैं। और जो आज के दिन के मनाने का मकसद है, हम लोगों को कानून की आगाही करें, उनके हकूक़ की आगाही करें, ताकि वो अपने हकूक़ डिफरेंट लोगों से, महकमजात से तलब करें। वो तभी मुमकिन है जब उनको मालूम होगा कि हमारे हकूक़ क्या है। लिहाजा लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ का जो मंशूर है वो कानून तक आगाही और मुफ्त कानूनी इमदाद देना है। आपकी बात से इतफाक़ करता हूँ कि लोगों को अदालतों में तवालत लगती है, मैं इस चीज़ से एतराफ़ करता हूँ। अलबत्ता मैं आपको ये कहूँ, वो तवालत शायद इस वजह से है कि हम ज़ाबते को कंप्लाई करते हैं, जहाँ हर फ्री को एक भरपूर मौका दिया जाता है कि वो अपना मौका पेश करे। चूँकि हम ये नहीं चाहते हैं किसी के साथ बेइंसाफ़ी हो, तो ज़ाबतों को रोब अमल लाते हुए कुछ ताखीर भी हो रही है, और जो ताखीर नागुज़ीर है वो हम उसकी तलाफ़ी नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता ताखीर की वजह ये भी है कि जो लिटिगेशन रेशो है, पॉपुलेशन रेशो और जज रेशो है, वो कम है। तो लिहाजा आप देखें, जहां एक जज साहब के पास 500 फाइलें होनी चाहिए, उसकी अदालत में 5000-6000 फाइलें हैं। लिहाजा एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो हर फाइल के साथ उस तरह से इंसाफ कर सकता है, जबकि उसके पास कम मुकदमात हो। मैं अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात के साथ बिल्कुल खड़ा हूं, और ये मानता हूं कि जो ट्रांसपेरेंसी वाले मामलात हमारे इंस्टीट्यूशन में आए हैं, जिसमें डिजिटलाइजेशन, ई फाइलिंग और सब चीज़ें बिल्कुल इंटरनेट पे मुहैया होना, एक ऐसा स्टेप है जहां से ये तवालत की तलाफ़ी हो सकती है और बहुत कम हो सकती है।